नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इन दिनों सोशल मीडिया का जमाना है, जिसे देखो वो अलग अलग तरह के कंटेंट अपलोड करता रहता है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो कई इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं, कई फेसबुक पेज चलाते हैं। हालांकि कई बार कुछ हैकर्स जो हैं वो इन वीडियोज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनका जो इन्फ्लुएंसर है उनका MMS लीक हो जाता है। बीते दिनों आपने खबर सुनी होगी, हमने भी आपको न्यूज रूम पोस्ट पर बताया था कि जालंधर के मशहूर कुल्लड़ पिज्जा कपल सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर का प्राइवेट MMS वीडियो लीक हो गया था। कपल को फिर इसके बाद काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। हालांकि सहज ने इन तमाम बातों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो सब फेक है। और अब एक और ऐसी ही पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया स्टार कह लीजिए, करमिता कौर ने भी इसी का अनुसरण किया और अब उन्हें इसी तरह के एक वाकये के लिए इंटरनेट पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उनका भी सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक MMS वीडियो लीक हुआ है, जिसके बाद फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जब से ये MMS शेयर किया गया है, करमिता कौर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि उनके 2 मिनट के वीडियो के स्क्रीनशॉट और लिंक ने और जो लिंक हैं वीडियो के वो नेटिजन्स के बीच शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि करमिता का कहना है कि ये वीडियो उनका नहीं है और वो फालतू लोगों को बार बार जवाब देकर इन बातों को बढ़ाना नहीं चाहती। वायरल MMS वीडियो में एक महिला को दिखाया गया है जो करमिता से काफ़ी मिलती जुलती है। वीडियो के सामने आने के बाद करमिता कौर ने लीक हुए MMS फुटेज के साथ किसी भी तरह के संबंध से सख्ती से इनकार किया और इसे स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी करार दिया। यहाँ आपको बता दें कि करमिता कौर जो है ये इंटरनेट पर काफ़ी जाना पहचाना नाम है और ख़ास तौर पर पंजाब में इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। स्टार को अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए पॉपुलैरिटी मिली और फैंस उनके मूव्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। 2004 में जन्मी इस युवा प्रतिभा के इंटरनेट पर तगड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग करमिता को फॉलो करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी तब और ज़्यादा बढ़ी थी जब उन्होंने 10 दिनों के बेहद कम समय में ही सफलतापूर्वक कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर लिया था। फिलहाल वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं दी गई है और करमिता कौर ने अपनी पुलिस शिकायत में भी किसी भी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने से परहेज किया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है और इस मामले पर आगे की जो भी अपडेट आएगी वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। MMS कॉन्ट्रोवर्सी के बाद करमिता ने भी अपनी सफाई देने के लिए अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ये वीडियो फर्जी है। उन्होंने अपने फैंस और चाहने वालों से अपील की कि वो गलत सूचना फैलाने या वायरल वीडियो को प्रसारित करने से बचें। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने उनको ट्रोल भी किया, लेकिन वो इस चल रहे विवाद से ज़्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि ये एकदम फर्जी वीडियो है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करमिता कौर के इस वायरल वीडियो के लीक हो जाने पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।